हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए आपका प्रश्न क्या है। एक हवा की बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तब जब बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तब किस दर पर बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है। मान लेना हवा की बुलबुले की त्रिज्या को आर मान लेना, तब यहाँ पर देखिए जो त्रिज्या जो है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अर्थात यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिज्या जो है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, अर्थात समय के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मान लेना, माना कि बुलबुले की त्रिज्या आर है, ठीक है, यही जो त्रिज्या है वो टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है। तो अर्थात इसमें क्या दिया है, डी आर बाई डी टी का मान दिया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, अर्थात इसमें डी आर बाई डी टी का मान 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जब बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तब किस दर पर बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है, अर्थात बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए निकालेंगे, देखो बुलबुला जो होता है वह गोलाकार होता है, अर्थात बुलबुला जो है वह गोला है, अर्थात गोले के आयतन का सूत्र लगेगा और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। चलो बनाते हैं बुलबुला। बुलबुले अर्थात गोला होता है, ठीक है, का आयतन, आयतन को भी से प्रदर्शित किया जाता है, तो भी इक्वल टू क्या सूत्र होगा, 4/3 πr³। तो ऐसे आयतन को किस दर से बढ़ रहा है बोला है, जब उसकी त्रिज्या क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इस आयतन को चलिए टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लेते हैं। dv/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dt 4/3 πr³। ठीक है, तो dv/dt इक्वल टू यहाँ पर 4/3 कॉस्टेन है और पाई भी कॉस्टेन है, उसका अवकलन नहीं होगा, तो 4/3 πcos, तो d/dt r³, अर्थात टाइम के रेस्पेक्ट में r का अवकलन करना है। तो चलिए करते हैं, dv/dt इक्वल टू 4/3 π। ये जो सूत्र होता है यहाँ पर देखिए, d/dx x का पावर n, इसका सूत्र क्या होता है, n सामने में आता है और n में एक घटता है x के पावर में, तो ये सूत्र का अप्लाई यहाँ पर होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, 3r³ - 1 और साथ साथ dr/dt बचेगा। ठीक है, टी के सापेक्ष r का अवकलन ये होगा। अब चलिए इसको क्या लिखा जा सकता है, पुनः यहाँ पर देखिए, dv/dt इक्वल टू 4/3 π गुणा 3r² हो जाएगा, 3 में एक घटेगा तो 2 आ जाएगा, और dr/dt का मान कितना दिया है, dr/dt का मान 1/2 दिया है, इसी 1/2 का मान यहाँ पर रखने वाले हैं, इसको एक बार लिख देते हैं dr/dt। ठीक है, इसी को यहाँ पर लिखा हूँ। अब चूँकि यहाँ पर देखिए dr/dt का मान 1/2 दिया है, यहाँ पर पुट अप करेंगे, पुट करेंगे तो dv/dt इक्वल टू 4/3 गुणा 3r² गुणा dr/dt का मान 1/2 यहाँ पर रखे हैं। अब देखिए इसको कटाएंगे क्या हो जाएगा, ये 3 को काट देगा और 2 × 4, अर्थात आपका यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, dv/dt इक्वल टू 2π गुणा r² हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जब बुलबुले की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, तब किस दर पर बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर r का मान 1 सेंटीमीटर दिया है, तो इसी 1 सेंटीमीटर का मान इसमें रखेंगे, अर्थात r का मान को रखेंगे तो आयतन किस दर से बढ़ रहा है पता चल जाएगा। तो dv/dt इक्वल टू 2π r का मान दिया है 1² इसको हल करेंगे 2π आ जाएगा, अर्थात जो आयतन है बुलबुले का जो आयतन है ना, यदि जब 1 सेंटीमीटर हो उसकी त्रिज्या, तो किस दर से बढ़ रहा है, 2π cm³, घन में रहता है, आयतन घन में होता है, 2π³ cm प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।